गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हम चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे। मेरा फुल डे फर्स्ट व्लॉग है जो मैं आज शूट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा फुल डे व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे अपना व्लॉग शूट करने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। बज गए थे सुबह के 7:30 और सुबह सुबह नहाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता। चलिए मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और थोड़ा सा इतरा रही थी अपने आप को देख कर। तो चलिए हो चुका है, अब मैं सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। चाहे आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, लेकिन गॉड को याद करना, ऊपर वाले को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ऊपर वाले को याद। अब ये मैं समझिएगा मैं शो कर रही हूँ करके, बट मैं आपको अपना दिन का रूटीन बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ मेरी वजू हो चुका है। मुझे इस तरीके से दुपट्टा बांधना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी तरीके से मैं दुपट्टा बांध के रखती हूँ और मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़। चलिए मेरी नमाज़ हो चुकी है, अब मैं खा लूँगी खाना। आज मैंने खाने में बनाई थी अखनी। अखनी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर 2 से 3 दिन में एक बार मैं अखनी बना ही लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने बनाया था खट्टा मीठा कचुंबर। आपके घर में कितने लोग दही का कचुंबर बनाते होंगे, लेकिन मुझे अखनी के साथ इमली का कचुंबर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन आज का कचुंबर थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो गया था, तो इसलिए मेरा मुँह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो अगर आपको मेरा व्लॉग, देखिए मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसमें फुल डे व्लॉग है, मेरा पहली बार है। तो आप चलिए मैं बरामदे में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैंने बरामदे वगैरह में झाड़ू लगा लिया है। घर चाहे छोटा या बड़ा हो, हम सबको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं डाल रही हूँ कपड़ा धोने में। आजकल पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, वो चाहे मुंबई हो, औरंगाबाद हो, बेंगलोर हो, कोई भी सिटी क्यों ना हो, पानी का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। जहाँ पर भी देखो पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये देखिए मैं कपड़ा वगैरह वॉश करने में डाल दिया है मैंने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दिन भर घर का काम कर लो, उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, किस किस तरीके से घूमना, एक्चुअली क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल की हो जाती है। इनका जो जो टाइम होता है ना, वो एकदम फिक्स होता है, ना कोई टाइम ऊपर होता है ना नीचे होता है। एक बार हम लोग ये कह सकते हैं कि हस्बैंड को संडे, मतलब जो भी हस्बैंड होते हैं, मैन होते हैं, जो बाहर काम करते हैं, उनको छुट्टियाँ मिल सकती हैं, वो लोग रेस्ट कर सकते हैं, वीकेंड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वाइफ साल के 365 दिन काम करती हैं और हर किसी को हैप्पी रखने की कोशिश करती हैं। तो चलिए देखिए, मैंने मेरे हस्बैंड को चाय दी थी, वो बर्तन हो गया है। और अभी मैं जो कपड़े में जो मैंने वॉश करके रखे थे, वो मैं डाल देती हूँ सुखाने के लिए। मैं पहली बार व्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसा बन रहा होगा, किस तरीके का बन रहा होगा। मैंने पहली बार फुल डे व्लॉग की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, मैंने पहली बार बनाया है व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से करूँ, क्या करूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा। तो चलिए मेरा कपड़ा वगैरह, तो देखिए शाम हो चुकी है और शाम को करेंगे हम थोड़ा सा नाश्ता। तो मैं नाश्ते में करूँगी, मुझे दूध और टोस्ट बहुत 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 ज़्यादा पसंद है नाश्ते में खाने के लिए, तो मैं दूध और टोस्ट खाऊँगी। तो देखिए मेरा दूध यहाँ पे गर्म हो चुका है। मैं इसमें वैसे तो मैं शक्कर वगैरह नहीं ऐड करती हूँ, लेकिन जब मैं टोस्ट के साथ खाती हूँ तब मैं शक्कर ऐड कर लेती हूँ। और मुझे ये वाला टोस्ट बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ये वो वाला टोस्ट है, आपको पता है, जो चाय वालों के पास मिलता है ना, 5 रुपये में एक आता है, मुझे बहुत पसंद आता है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार मैं खाना भी नहीं खाऊंगी चलेगा, बट मुझे ये दूध के साथ चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसके फुल 2 मज़े ले लेती हूँ। और मेरा खाकर हो गया था, तो आज मैं टाइम पास कर रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, क्योंकि अब मेरा सारा काम हो चुका है, फुल काम हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा आराम कर रही हूँ। तो
तो देखिए ये मूवी बहुत अच्छी थी, अब मैंने पहली बार देखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अब मैं जाने वाली हूँ बाहर, मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ा सा बाहर ले जा रहे हैं, शाम का वक्त हो चुका है, तो हम जा रहे हैं बाहर आइसक्रीम खाने के लिए, तो चले चलते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। मुझे थोड़ा सा, पहली बार मैंने बाहर ऐसा कैमरा लिया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, और आज बहुत 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 ज़्यादा ट्रैफिक थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। और बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत एकदम अटक गए थे, देखिए हम कहाँ से गाड़ी ले जा रहे हैं। हम लोगों ने जो बाइक थी ना वो ऊपर से चलाना शुरू कर दिया, जो सर्विस रोड होती है ना वहाँ से। तो देखिए हम लोग आइसक्रीम लेने के लिए गए थे, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, हम तो चाहते थे कि वहीं पर खा ले करके, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए हम लोग आइसक्रीम लेकर घर पर आ गए। और बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, हमारा एरिया है इसलिए इतना ट्रैफिक नहीं लग रहा है, लेकिन रोड जहाँ रोड साइड था ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। हम तकरीबन आधा घंटा हम वहाँ पर फंसे रहे, और मुझे वीडियो लेने भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन देखेगा तो क्या आप सोचेगा कि हम लोग उसका फ़ोटो ले रहे हैं। और एकदम पहली बार मुझे एकदम, मैंने इस तरीके से कैमरा वगैरह पकड़ा, मुझे बिल्कुल भी एकदम अजीब सा लग रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब सामने वाला एकदम घूर घूर के आ चुकी हूँ। मुझे आइसक्रीम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए मैं इस आइसक्रीम के मज़े ले लेती हूँ। तो चलिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।